अजीब, आप अपने गलत फैसले को किस खूबसूरती से डिफेंड कर रहे हैं? असद उसे जानता नहीं है, उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैंने दो दिन के लिए उसको आपके साथ भेजा था और आपने उसकी जिंदगी का फैसला कर डाला। सारी जिंदगी आप अपने रिश्तों से दूर रहे हैं, उसका बोझ आपके जमीर के ऊपर है। अगर आप उनसे गाफिल रहे हैं तो इसकी गफलत की सजा आप अपने बच्चे को नहीं दे सकते। मारिया प्लीज प्लीज, मैं तुमसे मजीद बहस नहीं करना चाहता। So no more argue, please. मैं भी आपसे बहस नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे अपने बच्चे की बहुत फिक्र है और मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। तो तुम क्या कहना चाहती हो? मैं उसे खुश नहीं देखना चाहता, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे उसकी तुमसे ज्यादा फिक्र है। नहीं है फिक्र, ना उसकी फिक्र है ना मेरी फिक्र है। जिन लोगों ने सारी जिंदगी मेरे बेटे के दिल में यह बात डाली है कि मैं उसकी सौतेली माँ हूं, उन लोगों के सामने मैं कभी हार नहीं मानूंगी। जिस लड़की का मैं नाम तक नहीं जानती हूं, आप सोचते हैं मैं उसे बहू तस्लीम करूंगी? ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और एक और बात, जितनी खामोशी से आपने असद का निकाह किया है ना वहां पर, उसी खामोशी से आप उन लोगों को बोल दीजिए कि हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं है। उन दोनों का निकाह हो चुका है मारिया, और असद ने दिल से इस निकाह को कबूल किया था। तुम्हारे इस रोने धोने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए प्लीज प्लीज मारिया, बेहतरी इसी में है कि तुम दिल से इस रिश्ते को, इस निकाह को कबूल कर लो। नहीं, कभी नहीं, इस रिश्ते को मैं कभी कबूल नहीं करूंगी और आपको आपकी इस साजिश में मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। असद वही करेगा जो मैं कहूंगी। तुम भी मेरी एक बात याद रखना मारिया, अगर तुमने असद को मजबूर किया कि वो ये रिश्ता खत्म कर दे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और कभी मत भूलना, मत भूलना मारिया, कि असद मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा, और उसकी जिंदगी का हर फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है। और मैं कोई पाबंद नहीं हूं तुमसे मशवरा करने के लिए, याद रखना मेरी इस बात का।